फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुकिंग अपडेट स्पैनिशा खान में आप सबका ज़ोरदार स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मुहर्रम की बहुत ही स्पेशल और मज़ेदार बनने वाली रेसिपी। जैसे कि आप सभी सही गेस कर चुके हैं कि आज हम बनाने जा रहे हैं खिचड़ा, जिसे हम दलीम और हलीम के नाम से भी जानते हैं। तो आज की रेसिपी को अब हम शुरू कर लेते हैं। रेसिपी को शुरू करने के लिए सबसे पहले मैंने गैस पर कुकर रख लिया है, जिसमें मैं लगभग 150 ग्राम सरसों का तेल डाल लेती हूँ। आप चाहें तो रिफाइंड तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तेल को डाल लेने के बाद इसे हमें लगभग 15 से 20 सेकंड तक गर्म होने देना है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा तेल है अच्छे से गर्म हो चुका है। तो चलिए अब मैं गर्म हुए तेल में डाल देती हूँ लगभग 2 बड़ी बारीक कटी हुई प्याज। ध्यान रहे कि हमें गर्म तेल में प्याज को बहुत ही धीरे हाथ से डालना है और उसे लगभग 15 से 20 सेकंड तक फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं कि जो हमारी प्याज है फ्राई हो चुकी है। तो चलिए अब मैं इसमें डाल देती हूँ गोश्त, जिसे मैंने पहले ही वॉश करके रख लिया था। आज मैंने खिचड़े को बनाने के लिए लगभग 2 किलो गोश्त का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वज़न को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। और चलिए मैं इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ प्याज और तेल के साथ। हमारा गोश्त अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो चलिए अब मैं इसमें डाल देती हूँ लगभग 2 टीस्पून नमक। नमक के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ बारीक कटे हुआ अदरक और लहसुन। मैंने यहाँ पर 8 से 10 कली लहसुन की और एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है, और इसे भी हम मिक्स कर देते हैं अच्छे से। हमारा अदरक और लहसुन भी अच्छे से मिक्स हो चुका है गोश्त के साथ। तो चलिए अब मैं इसमें डाल देती हूँ लगभग 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और इन सभी मसालों को चलिए हम अच्छे से गोश्त के साथ मिक्स कर देते हैं और इसे लगभग 3 से 4 मिनट तक कुक होने देते हैं। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब मैं इसमें डाल देती हूँ 2 टीस्पून घर का बना हुआ नॉनवेज पाउडर। आप भी इसे आसानी से घर पे बना सकते हैं, और इसे भी हम अच्छे से गोश्त के साथ मिक्स कर लेते हैं और इसे 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही खुला कुक होने देते हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ लगभग 3 ग्लास पानी। पानी को भी हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए अब बारी आती है इसे कुक करने की। अब मैंने इसमें ढक्कन लगा दिया है। इसमें लगभग 6 विजल्स ले लेने हैं हमें। हमारा कोरमा बनकर अब तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं देखने में कितना मज़ेदार और टेस्टी लग रहा है। तो कोरमा तो हो गया तैयार। तो चलिए हम आगे की प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। मैंने सेम कुकर में ही दालों को मिक्स कर डाल लिया है। मैंने अपने दालों को मिक्स करके भिगोया था लगभग 2 घंटे के लिए। आप चाहें तो दालों को अलग अलग करके भी भिगो सकते हैं। मैंने आज खिचड़े को बनाने के लिए लगभग 1-1 कप दालों का इस्तेमाल किया है। 1 कप लाल मसूर की दाल, 1 कप उड़द की दाल, 1 कप मूँग की दाल और 1 कप चावल, और लगभग 3 कप चने की दाल। अब दालों को डालने के लिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ लगभग 1 टीस्पून सॉल्ट। नमक के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ लगभग 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो चलिए अब इसमें भी हम सीटियाँ लगा लेते हैं। इसमें मुझे लगभग 4 सीटियाँ लगाना है। देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारी दाल भी खिचड़े के लिए बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखने में ये भी कितनी मज़ेदार लग रही है ना। तो चलिए अब मैंने ले लिया लगभग 250 ग्राम गेहूं और जौ को मिक्स करके भिगोया है। इन्हें भी मैंने लगभग 2 घंटे के लिए, इसमें मैंने 2 ग्लास पानी डाल लिया है, और इसमें भी मुझे लगभग 3 सीटियाँ लगा लेनी है।
तो चलिए अब मैं बनी हुई दालों और गेहूं को अपने कोरमे के साथ मिक्स कर लेती हूँ। याद रहे कि हमें अपने दालों और गेहूं और चौक को बहुत अच्छे से मैश कर लेना है। अच्छे से मैश करने के बाद अब मैं उसे कोरमे में मिला देती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने दालों और गेहूं और जौ थे सबको अच्छे से मैश करके कोरमे में डाल दिया है और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं उसमें डाल देती हूँ लगभग 8 से 10 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे भी हम अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी को आप अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से रख सकते हैं जितना, और खिचड़ा याद रहे कि हमेशा थिक अच्छा लगता है तो हमें पानी को बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और इसे अब मुझे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए कुक करना है। आप देख सकते हैं कि मेरे खिचड़े में कितने अच्छे से उबाल आ चुकी है। हमारा खिचड़ा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब बारी आती है इसके तड़के की। तड़के के लिए ले लिया है मैंने लगभग 2 टेबल स्पून सरसों का तेल, जिसमें लगभग 1 मीडियम साइज़ की मैंने चॉप करी हुई प्याज डाल दी है। तो अब चलिए अब मैं तड़के को अपने खिचड़े पे डाल देती हूँ और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देती हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरा खिचड़ा देखने में कितना मज़ेदार और टेस्टी लग रहा है ना, तो आप भी इसे बहुत ही आसानी से घर पर ट्राई कर सकते हैं और अपने घर के सारे मेम्बर्स को टेस्ट करा सकते हैं अपने हाथ की रेसिपीज़ को। आई होप आप सभी को आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, ताकि आप सभी को मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू सो मच।